अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महमूद अहमद और वेलकम करता हूँ आपको अपने फेवरेट चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट की डाटा केबल जो है उसको ये RJ45 के जैक कैसे लगाए जाते हैं, इनकी कलर कोडिंग कैसे की जाती है, कैसे इनकी पंचिंग की जाती है और कैसे इनकी टेस्टिंग की जाती है। तो इसके लिए हमें एक अदद केबल पंचर चाहिए, केबल चाहिए, दो अदद RJ45 के जैक चाहिए, एक केबल टेस्टर चाहिए जो कि हमें बताएगा कि हमारी केबल ठीक पंचिंग हुई है या गलत हुई है या केबल शॉर्ट है। हम इसकी इंसुलेशन ऊपर से उतारेंगे केबल की, PVC इंसुलेशन। एक ऑरेंज पेयर होता है, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक ब्राउन। और अभी हम आपको बताएंगे इसकी कलर कोडिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले कौन सी वायर रखी जाएगी और सबसे लास्ट में कौन सी वायर रखी जाएगी। सबसे पहले आप इनके ये जो पेयर हैं इनको अलग-अलग करेंगे, ऐसे हाथ के साथ इसको सीधा करेंगे ताकि पंचिंग करने में ये आसानी भी हो और ये सीधे जैक के अंदर जाके आसानी के साथ पंच हो जाए। सबसे पहला जो काम है, हमने ऑरेंज पेयर को खोला और सबसे ऊपर हमने हाफ ऑरेंज और नीचे डार्क ऑरेंज रखी। इसके बाद ग्रीन वाला पेयर की बारी आएगी, इसी को भी ऐसी तरह आप दोनों पेयर को अलग अलग करें और उसको सीधा करें और इधर सिर्फ ग्रीन का जो हाफ ग्रीन है उसको रखा जाएगा, डार्क ग्रीन नहीं लगाया जाएगा। और इसके बाद ब्लू पेयर की बारी आएगी, इसी तरह आप इसको सीधा करेंगे वायरों को और ब्लू कलर का जो ब्लू डार्क ब्लू है वो ऊपर आएगा और वाइट ब्लू नीचे आएगा। और यो ये जो हमारा ग्रीन पेयर का डार्क ग्रीन बाकी था उसको इसके बाद रखेंगे, इसकी नंबरिंग इसके साथ आएगी। और लास्ट में हमारे पास आएगा ब्राउन एंड वाइट ब्राउन। इसका जो वाइट ब्राउन है वो ऊपर आएगा और सबसे आखिर में आएगा डार्क ब्राउन। आपको केबल को इसी तरह वायरों को सीधा करना पड़ेगा और फिर हम इसका साइज़ लेंगे कि हमें कितना जैक लगाने के लिए कितनी वायरें चाहिए, वो जो ज़्यादा वायर होगी वो हम काट देंगे। ये देखिए, ये कटर होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट काटेगा और वायरों को आपने पकड़ कर रखना है ताकि जो जहाँ पर हमने नंबरिंग की है वो वायरें वहाँ पर रहें। और इसके बाद जैक को ऐसे ऐसे इसके अंदर रखें और जैक लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो PVC इंसुलेशन है ये जैक के अंदर पंच होनी चाहिए। फिर हम ऐसे पंचर के साथ इस साइड से हम इनको पंच करेंगे और इसको तीन दफ़ा पंच करना पड़ेगा, एक दो तीन। इस दफ़ा तीन दफ़ा पंच करने के बाद ये देखिए हमारा RJ45 का जैक कंप्लीट पंच हो चुका है, ये होगी। उसी तरह हम केबल के दूसरे एंड पे RJ45 का जैक पंच करेंगे और फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। हमने केबल की दोनों तरफ पे RJ45 के जैक पंच कर दिए हैं, अब हम इनकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए हम ये केबल टेस्टर यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर 8 वायरें होती हैं, ये 8 वायरों की नंबरिंग है, ये हमारी 8 लाइटें जलनी चाहिए। अगर ये 8 लाइटें जलेंगी तो हमारी केबल ओके होगी। अभी हम ये डाटा केबल कंप्यूटर के चेक करने लगे हैं, लगाइए। अभी हम टेस्टिंग करेंगे, करिए। ये देखें हमारी माशाल्लाह 8 की 8 वायरें ओके हैं और नीचे भी कनेक्टेड का निशान आ चुका है। आपकी केबल का दूसरा हिस्सा दूर है तो आप इसको दूर रख के भी ऐसे चेक कर सकते हैं, ये इसके दो हिस्से होते हैं। अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में हैं तो ऐसे भी टेस्टिंग हो सकती है, टेस्ट करिए। ये देखें दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्मार्ट फास्ट इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप मज़ीद इसी तरह की टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।